हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल तो आज इस वीडियो में मैंने फिर से एक यूनिक केक का डेकोरेशन आपके साथ शेयर किया है जो बहुत ही इजी है बनाना बहुत ही कम टाइम में आप ये केक का डेकोरेशन बना सकते हो और आज मैंने सिर्फ एक ही नोजल यूज़ करके ये केक का डेकोरेशन बनाया है जो बहुत ही क्यूट लग रहा है और ये केक का डेकोरेशन बेसिकली एक जेल केक का डेकोरेशन है तो इस वीडियो को पूरा देखना इसकी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर केक को अच्छे से आइसिंग कर लिया है आप देख सकते हो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक स्क्रैपर के मदद इस से इस केक को अच्छे से स्क्रैप कर दूँगी और ये जो स्क्रैपर का डिज़ाइन है ना ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और मुझसे जितना हो सका मैं केक को उतना क्लीन करने की कोशिश किया है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक सेमी जेल कलर ले लिया है आप चाहे तो वाटर बेस्ड या फिर जेल कलर भी आप यूज कर सकते हो और मैंने यहाँ पर पूरा केक को पिंक कलर का नहीं बनाया क्योंकि मेरा कस्टमर को ज्यादा कलर वाली केक पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने एकदम केक के टॉप पर पिंक जेल कलर यूज किया है और इस सेमी जेल कलर को मैं अच्छे से स्क्रैपर की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर होम न्यूट्रल जेल के साथ थोड़ा पिंक जेल कलर मिक्स कर लिया है आप चाहो तो केक के ऊपर डायरेक्ट इस जेल को स्प्रेड कर सकते हो लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पाइपिंग बैग के मदद से इस जेल को अच्छे से स्प्रेड करना तभी आपके लिए इजी रहेगा और न्यूट्रल जेल आप इजीली घर पर कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट करके ही रखा है अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना बहुत ही ईजी तरीके से मैंने दिखाया है तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक सीट के मदद मतलब से अच्छे से स्प्रेड कर रही अगर आप बिगिनर्स हो तो आप प्लास्टिक सीट ही यूज़ करना क्योंकि बहुत ही ईजी रहेगा ये जेल स्प्रेड करने में और आप चाहो तो इस न्यूट्रल जेल के साथ थोड़ा तो एसेंस भी ऐड कर सकते हो लाइक जिस फ्लेवर का आप केक बना रहे हो उसी फ्लेवर ही आप यूज़ करना न्यूट्रल जेल के साथ और एक बात केक को अच्छे से आइसिंग करने के बाद एक से दो घंटे तक आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा उसके बाद आप जेल को स्प्रेड कर सकते हो तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक वैनिला ग्लेस ले लिया है और वैनिला ग्लेस के साथ मैंने यहाँ पर कलर मिक्स करके कुछ कलरफुल कलर्स भी बना लिया है लाइक येलो व्हाइट और ब्लैक ठीक है व्हाइट के साथ मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है सिंपल व्हाइट ही रखा है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर येलो कलर के मदद से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ गोल गोल टाइप का और उसके बाद मिडिल में मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ किया है ठीक है और इसको मैं दो बार रिपीट करूँगी ताकि जो लाइन है वो थोड़ा डार्क हो जाए तो जब मैं डिजाइन बनाऊँ वो थोड़ा और भी ज्यादा हाईलाइट हो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर वाइट वैनिला ग्लेस यूज कर रही हूँ और इसको भी मैं दो बार रिपीट करूंगी ताकि जो लाइन है वो और भी ज्यादा हाईलाइट लगे और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक टूथपिक के मदद से रैंडमली लाइन खींच रही हूँ और एक एक लाइन ड्रॉ करने के बाद या फिर एक एक लाइन खींचने के बाद इस टूथपिक को मैं अच्छे से क्लीन करूंगी ताकि कोई भी कलर एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए तो ये केक के का डेकोरेशन बहुत ही इजी है बनाना बहुत ही कम टाइम में आप ये केक का के डेकोरेशन के बना सकते हो और बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है ये ये के केक केक का का डेकोरेशन अगर आप डेकोरेशन बनाओगे तो ये केक का डेकोरेशन देख के कोई भी नहीं बोलेगा की ये होम है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक रोज बना लिया है वो येलो कलर का मैंने बनाए है अगर आप चाहे तो कुछ और कलर की भी आप बना सकते हो और रोजेस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियोस अपलोड की हुई है अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग को वी सब में कट करके लीफ बनाई है और इस रोज के ऊपर थोड़ा सिल्वर स्प्रे भी किया है ताकि और भी ज्यादा खूबसूरत लगे तो फाइनली मेरा केक का डेकोरेशन बिल्कुल कंप्लीट है आप देख सकते हो केक का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना तो मिलते हैं अगले वीडियोज में अभी के लिए बाय बाय